अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सेकेंड ईयर का फर्स्ट हीरो, फर्स्ट ईयर एट हैरो, इसको स्टडी करेंगे। आपको जो ये लेसन है, ये बरतानिया के एक साबका वज़ीर आज़म जिनका नाम था विंस्टन चर्चिल, उन्होंने लिखा है। तो वो अपने बचपन के कुछ एक किस्से को या अपने ज़िंदगी के एक पहलू को उन्होंने डिस्कस किया है और उसमें कुछ अपनी राय भी पेश की है। बताते हैं कि जब वो 12 साल के थे तो उस वक्त उन्हें एक स्कूल में दाखिल कराया जाना था। स्कूल का नाम था हैरो पब्लिक स्कूल। हैरो पब्लिक स्कूल जो है वो बरतानिया के बहुत बड़े मशहूर स्कूलों में से एक था, हैरो पब्लिक स्कूल। तो अब कह रहे हैं कि आगे उन्होंने वहाँ पे 7 साल गुजारने थे। अब दाखले स्कूल में दाखले से पहले उनका एक एंट्री टेस्ट भी होना था। अब ये कहते हैं कि इनको जो सब्जेक्ट्स पसंद थे वो ज़रा डिफरेंट थे, लेकिन जो कि स्कूल के एग्जामिनेशन में लेते हैं वो ज़रा डिफरेंट थे। इनका स्कूल के बारे में और स्कूल के जो टेस्ट वगैरह लिया था उनके बारे में ज़रा डिफरेंट रहा है। लेकिन वो इस तरह के सवाल नहीं पूछते, टीचर्स जो हैं और जो एग्जामिनर्स हैं इस तरह के सवाल नहीं पूछते कि जो बच्चे क्लास में आने चाहिए, बल्कि वो देखते हैं ऐसा क्या सवाल पूछा जाए जो उसको ना आता हो। तो इस पर उन्होंने कुछ तनकीद भी की और आगे अपनी लाइफ का एक शॉर्ट सा पहलू बयान किया है। पहले तो ये कि इनके फेवरेट सब्जेक्ट्स जो थे वो एक्चुअली इनको पसंद थी हिस्ट्री, उसके अलावा इनको ऐसे राइटिंग पसंद थी और इनको पोइट्री पसंद थी। हिस्ट्री, ऐसे राइटिंग और पोइट्री। लेकिन अब जो उनका एग्ज़ाम था तो एग्ज़ाम में उन्होंने इन चीज़ों की बजाय लैटिन और मैथ का पेपर दे दिया। स्कूल का वो एंट्री टेस्ट का एग्ज़ाम था तो उन्होंने टेस्ट में दे दिया लैटिन और मैथ, और उसकी मिस्टर चर्चिल को ABC भी नहीं आती थी। अब कहते हैं वो पूरा टाइम बैठे रहे, उनको पता नहीं था क्या करना है। तो कहते हैं वो जो शीट थी मैंने सिंपली एक बार ऊपर पहले 1 लिख दिया, फिर काफ़ी देर उसको देखता रहा, फिर मैंने उसके गिर्द ब्रैकेट्स डाल दी। उसके बाद पता नहीं किस तरह पेज के ऊपर ना कुछ इंक के धब्बे वगैरह भी आ गए। तो टाइप उस तरह ही पेपर गया, फिर ये वापस चला गया, यही सबमिट भी ले लिया हो गया। तो अब हैरो पब्लिक स्कूल के जो हेड मास्टर थे उनका नाम था मिस्टर वेल्डन। वो कहते हैं कि वो ज़रा दूर अंदेश आदमी थे और वो लोगों को शायद दिखावे से जज नहीं करते थे। पता नहीं क्यों, उन्होंने शायद पेपर देखा, उन्होंने शायद समझ लिया होगा कि ये बच्चा जो सा है ये किसी और तरफ उसका रुझान है, ये कोई नलायक किस्म का नहीं है। पेपर टोटली खाली था तो इन्होंने फिर भी उनको पास कर दिया, मतलब कि जो मिस्टर चर्चिल हैं उनको एडमिशन मिल गया हैरो के अंदर। तो अब हैरो के अंदर उनको एडमिशन मिला है तो क्योंकि उनके तो बहुत कम भी नंबर थे, एक तो कि उनको ये समझ आता था कि ये कोई ज़्यादा लाइक किस्म के नहीं है, तो उन्हें 4th डिवीज़न की जो 3rd सेक्शन था वहाँ पर उनको बिठाया गया और उनको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज सिखाई जाती थी, ओनली इंग्लिश, क्योंकि उनके ख्याल में ये वाले स्टूडेंट्स इतने नलायक और बेवकूफ़ थे कि वो इंग्लिश के अलावा कुछ सीख ही नहीं सकते, जबकि बरतानिया एक इंग्लिश मुल्क ही है। तो फिर बता रहे हैं कि इनका जो नामों की लिस्ट लगी थी तो जिसका लास्ट में नेम था उसका लास्ट वाला रोल नंबर था, तो उन्होंने नंबरों की जो की हुई थी सॉर्टिंग वो उन्होंने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में की थी, मतलब कि ए वाले नाम पहले फिर बी वाले नाम पहले। तो इनका जो मिडल नेम है एस, तो इससे मुराद था स्पेंसर। तो कह रहे हैं स्पेंसर से अगर उन्होंने करनी थी तो एस जो है अल्फ़ाबेट्स में काफ़ी एंड पे आता है। तो इनके स्पेंसर के बाद सिर्फ 2 और स्टूडेंट्स थे ये जो उस लिस्ट में जिनके नाम शामिल थे, ऐसे में वो दोनों जो थे वो भी नहीं आए और ये कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ लास्ट स्टूडेंट रह गए थे और उससे भी उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ कि सबसे लास्ट रोल नंबर इनका होता था और ये सबसे लोएस्ट ग्रेड में जो नालायक वाले बच्चे थे वहाँ पर इनको बिठाया गया और वहाँ पर ये 3 साल तक इंग्लिश पढ़ते रहे। इनको जो इंग्लिश पढ़ाने वाले थे उनका नाम था मिस्टर सोमरवेल। चर्चिल कहते हैं कि वो एक बहुत ही अच्छे टीचर थे, उनका एक बहुत अच्छा अंदाज था पढ़ाने का, वो डिफरेंट कलर की मार्कर्स इस्तेमाल करते थे और एक जुमले को लिख के उसको उसके पोर्शन में उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेते थे और हर एक कंपोनेंट को डिफरेंट इंक से लिखते थे। तो इससे यह है कि तमाम के तमाम स्टूडेंट्स के जो कॉन्सेप्ट्स थे वो बहुत ही क्लियर हो गए, उनको एक काफ़ी कह लें अच्छा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, उनको इंग्लिश लैंग्वेज पर एक बहुत अच्छा उबूर आ गया। लेकिन जो उनसे थे ना लाइक वाले स्टूडेंट्स उनको लैटिन पढ़ाई जाती थी, उनको ग्रीक पढ़ाई जाती थी, उनको इस तरह की क्लासिकल लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती थी और उनको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश। तो यहाँ पे इन्होंने अपनी राय ये दी, कहते हैं जब मैं बाद में प्रैक्टिकल लाइफ में आया हूँ तो लैटिन ग्रीक का तो कोई था ही नहीं काम, कह रहे सिर्फ सिर्फ क्योंकि मुझे इंग्लिश आती थी तो इसलिए मुझे अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहा, मुझे गुफ्तगू करनी आती थी, मुझे लिखने लिखाना भी आता था, तकरीरें वगैरह सारा कुछ आता था। कहते हैं वेयर एज जो लैटिन और ग्रीक के स्टूडेंट्स थे तो उनका तो कोई यूज़ ही नहीं था कहीं पे, तो उनको कह लें उल्टा नुकसान ही उठाना पड़ा
और बहुत से ऐसे थे कि उनको दोबारा से ये लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना पड़ा। तो इनके ख्याल में हमें जो नेशनल लैंग्वेज थी इनकी अपनी इंग्लिश कह रहे हैं वो सिखानी चाहिए थी सिर्फ। उनका मानना है कि जो इंग्लिश है वो सारों को लाजमी सिखाई जानी चाहिए, फिर जिनसे वो लाइक बच्चे हैं उनको ट्रीट के तौर पर ये लैटिन और ग्रीक ज़रा सिखा दें एक इजाफी लैंग्वेज के तौर पे, कि भी वो लाइक है उनको थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाए, लेकिन इंग्लिश सबको आनी चाहिए। जिनको इंग्लिश नहीं आती एक्चुअली उनको कूड़े पढ़ने चाहिए इस चीज़ पे। ये थे जी मिस्टर चर्चिल की राय और उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक थोड़ा पहलू बता दिया। प्रोज एंड कॉन्स में यही चीज़ें कि इनको इंग्लिश लैंग्वेज के क्या फ़ायदे रहे हैं, उनके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो गए थे, क्लियर हो गए थे, 3 साल जो उन्होंने वहाँ पर गुजारे एक चीज़ को सीख सीख के बहुत अच्छा उभर आ गया था, प्रैक्टिकल लाइफ में फ़ायदा रहा। वेर एज जो उनसे लैटिन ग्रीक वाले थे उनको नुकसान आता रहे क्योंकि उनकी लैंग्वेज जो अपनी नेशनल लैंग्वेज है उस पर उनको बोर नहीं था, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह इतने अच्छे नहीं थे। टोटल ये एक सिंपल छोटा सा चैप्टर है। अब इनको हीरोज इसलिए कहते हैं कि इनके जिनकी डिस्कशन की जा रही है, जिनकी लाइफ बयान की जा रही है, वो एक्चुअली हीरो माने जाते हैं। अब जो सर विंस्टन चर्चिल हैं ये बरतानिया के किसी ज़माने में वज़ीर आज़म होते थे, बरतानिया के लिए तो हीरो ही हैं एटलीस्ट। अब मैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ आ रहा हूँ। पहले इसके नोट्स हैं जो कि आपके सिनोनिम्स में आते हैं। एक लफ्ज़ दिया जाता है, नीचे 4 ऑप्शंस होती हैं और आपने एक ठीक मुतरादिफ लफ्ज़ चुनना होता है। हो सकता है आपको इस तरह एंटोनिम बना के भी दे दिया जाए, मतलब मुतजाद लफ्ज़ भी दिया जा सकता है। अब इनहॉस्पिटेबल, इनहॉस्पिटेबल का मतलब है एक चीज़ जो अनइनवाइटिंग हो, जो दिखने में ज़्यादा आपको अच्छी ना लग रही हो। इनवेरिएबली हमेशा, फैंसीड पसंद करना, पार्शल, पार्शल का मतलब यह है एक चीज़ के लिए जायका होना या एक चीज़ का पसंद होना। डिस्प्ले, डिस्प्ले होता है दिखाना, एक्सपोज जाहिर करना या सामने लेके आना। ब्रॉड माइंडेड, ब्रॉड माइंड कहते हैं एक आज़ाद ख्याल को या खुले जहन वाले को। डिसर्नमेंट इसका मतलब है अंडरस्टैंडिंग, एक चीज़ का समझौता। रिफ्लेक्शन सोच। रेलेवेंट मुतलिका। समझ, समझ कहते हैं एक धब्बे को। अशर, अशर कहते हैं डोरकीपर। स्लेंडर, स्लेंडर का मतलब है एक पतला छोटा या फिर गरीब सा, थोड़ा कमज़ोर भी कह सकते हैं। अनप्रिटेंशियस इसका मतलब है अनएज्यूमिंग या एक चीज़ जिसको एक्सक्यूज़ मी यहाँ पे थोड़ा सा कट करना है। अनप्रिटेंशियस इसका मतलब है बेनाम। डंस, डंस का मतलब है फूल। कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स से मतलब है किसी चीज़ के कोई हिस्से। स्ट्रक्चर बेसिक फॉर्म या शक्ल। पिथी, पिथी का मतलब है एक छोटी टू द पॉइंट बात या चीज़। एपिग्राम्स, एपिग्राम्स कहते हैं कुछ शॉर्ट एसेज को या कुछ मकूलों को। बायस, बायस का मतलब है किसी एक चीज़ की तरफ झुकाव होना या किसी एक चीज़ की तरफ पसंद होना। ट्रीट, ट्रीट से मुराद ये है कि किसी को खुशी के लिए कुछ तोहफा दे देना या पार्टी सी दे देना, इस तरह की चीज़, कुछ भी चीज़ जो किसी की खुशी के लिए दी जाए। ये थी आपकी ग्लॉसरी। अब से क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आते हैं। क्वेश्चन वन है, द राइटर सेज दैट द एग्जामिनर्स आस्क क्वेश्चंस व्हिच स्टूडेंट्स कैन नॉट आंसर। राइटर कहता है कि एग्जामिनर सवाल पूछते हैं जिनका स्टूडेंट जवाब नहीं दे सकता। एंड नॉट दोज, ना के वो विच दे कैन आंसर, जिनका वो जवाब दे सकते हैं। इज द कंप्लेंट जस्ट, क्या ये शिकायत जो है ये ठीक है? इसमें बेसिकली आपकी कुछ राय मांग रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो एग्जामिनर्स हैं डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। कुछ वो हैं कि जो वही सवाल आपको देंगे पेपर में, कि उनको पता है कि ये बच्चों को नहीं आते होंगे तो उनको बस किस तरह फेल करना है। मतलब ऐसे टीचर्स भी होते हैं। एग्जामिनर की अपनी कह लें मैंटेलिटी पे डिपेंड करता है आपको उस तरह के सवाल दे दे कि जो उनके ख्याल में लाजमी आपको आने चाहिए, और अगर आपने वो याद किए हैं और चीज़ें आपको लाजमी आनी चाहिए तो फिर आप एग्ज़ाम को क्लियर कर सकेंगे। नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट हाउ एवर आपको सेल्फ राइटिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए और आपने इस क्वेश्चन के आंसर को लिख के प्रैक्टिस करना है। ये कि आपकी क्या राय है, मैंने आपको अपनी राय दे दी कि दोनों तरह के एग्जामिनर्स होते हैं, वो भी जो कहते हैं बस वो चीज़ दो जो बच्चों को ना आती हो, वो भी जो इस तरह के देते हैं कि बच्चों को वो चीज़ दी जो उनको लाजमी आनी चाहिए, इम्पोर्टेंट चीज़ें दीजिए। क्वेश्चन टू है, वट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन आर आस्क्ड बाई योर एग्जामिनर्स। आपके एग्जामिनर्स आपसे किस तरह के सवाल पूछते हैं। अगेन इसमें आपकी अपनी राय मांगी जा रही है। आपको जो भी एग्जामिनर्स जिस तरह के पेपर में क्वेश्चन देते रहे उसके बारे में आपको जो समझ आता है आप लिख दें। हाउएवर अगर क्वेश्चन ये आपके पेपर में आता है तो डेफिनेटली फॉर्मल राइटिंग इस्तेमाल करनी है, मतलब एक रस्मी अंदाज में लिखना है और बेफजूल बातें या फिर तनकीद को अवॉइड ही करना है। हम ये कह सकते हैं कि हमारे एग्जामिनर कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी दे देते हैं,
हमारे कुछ टीचर वो इस तरह के दे देते हैं क्वेश्चंस कि जो मुझे बिल्कुल नहीं आ रहे होते और बहुत ही मुश्किल किस्म के होते हैं कि जो उनको लगता है ना ये पॉइंट बच्चे ने मिस कर दिया होगा तो वो होला उठा के दे देते हैं। कुछ मेरे टीचर्स ऐसे भी हैं कि वो इस तरह की चीज़ें देते हैं जो उनके ख्याल में स्टूडेंट को लाजमी आनी चाहिए, और अगर वो नहीं आएगी तो उनके सबक का कोई फ़ायदा ना हुआ पढ़ने का। क्वेश्चन 3 है, व्हाट व्हाई डिड नॉट चर्चिल डू वेल इन एग्जामिनेशन। चर्चिल जो है उसने एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं किया? दैट इज़ बिकॉज ही लाइक्ड हिस्ट्री, एसे राइटिंग एंड पोएट्री, वेर एज द एग्जाम वॉज गिवन ऑन लैटिन एंड मैथमेटिक्स। जो एग्जाम है उसमें लैटिन मैथमेटिक्स के बारे में पूछ रहे हैं और राइटर को उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। उसको तो अच्छी लगती थी हिस्ट्री ऐसे और राइटिंग ऐसे पोएट्री। जैसे पेपर सामने आया ही डिड नॉट नो एनी थिंग, तो उन्होंने सिंपली फिर खाली पेपर ही दे दिया, सिर्फ और सिर्फ ये वन लिखा, ब्रैकेट लिखी, कुछ धब्बे पड़ गए पेज के ऊपर और वैसे शीट दे दी उन्होंने। क्वेश्चन 4 है, हाउ डिड ही डू हिज लैटिन पेपर। उन्होंने अपना लैटिन का पेपर कैसा किया? इसमें हम सिंपली ये चीज़ बताएंगे कि शीट सारी सारी खाली रही, उन्होंने ऊपर वन लिखा, साइड पे ब्रैकेट लगाई, उसके बाद किसी तरह उस पेपर के ऊपर धब्बे आ गए, बाकी उन्होंने खालम खाली पेपर दे दिया। क्वेश्चन 5 है, चर्चिल वॉज टॉट इंग्लिश एट हैरो एंड नॉट लैटिन एंड ग्रीक, वॉज इट अ गेन और लॉस। चर्चिल को हैरो में लैटिन और ग्रीक नहीं पढ़ाई जाती थी बल्कि अंग्रेज़ी पढ़ाई जाती थी, ये एक फ़ायदा था या नुकसान था? जैसा कि हमने जिक्र किया, राइटर जो हैं चर्चिल वो कहते हैं कि क्योंकि मुझे इंग्लिश पढ़ाई गई और बार बार पढ़ाई गई और हमारे टीचर भी अच्छे थे इंग्लिश के, तो क्योंकि कॉन्सेप्ट्स मेरे बहुत अच्छे हो गए थे और क्योंकि हमारी अपनी नेशनल लैंग्वेज भी इंग्लिश थी तो उनको हर जगह पर बहुत फ़ायदा रहा, हर जगह पर उनको बोलने लिखने में परेशानी नहीं आई, उनके अपने लैंग्वेज पर एक बहुत अच्छा उबूर था। और कह रहे हैं कि लैटिन और ग्रीक अगर पढ़ भी लेते तो उनका कोई ज़्यादा इस्तेमाल नहीं था, तो बेसिकली चर्चिल के लिए ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा रहा। हाउएवर वो स्टूडेंट जिन्होंने इंग्लिश नहीं पढ़ी सिर्फ लैटिन और ग्रीक पढ़ी उनको थोड़ा नुकसान उठाना पड़ा, उनको बाद में परेशानियों का सामना करना पड़ा। क्वेश्चन 6 है, व्हाट गुड डिड हिज 3 ईयर्स स्टे एट हैरो डू हिम। उनको 3 साल हैरो में रहने का क्या फ़ायदा हुआ? वो 3 साल जो हैं सेम उनको इंग्लिश पढ़ाते रहे, तो चर्चिल कह रहे हैं कि उनके जो इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स वो बहुत अच्छे हो गए थे, टीचर भी अच्छे थे, वो एक बहुत अच्छे अंदाज में डिफरेंट कलर के मार्कर्स को इस्तेमाल करके तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट्स को और कंपोनेंट्स को बहुत अच्छी तरह क्लियर करते थे, तो इसलिए एक चीज़ बार 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 पढ़ के वो बहुत ही उस चीज़ में एक्सपर्ट हो गए और प्रैक्टिकल लाइफ में उनको उस चीज़ का बहुत ही फ़ायदा रहा। क्वेश्चन 7, इन आफ्टर ईयर्स हाउ डिड द नॉलेज ऑफ इंग्लिश स्टैंड हिम इन गुड स्टैंड। कि सालों बाद इंग्लिश का नॉलेज जो है उन्हें अच्छी पोजिशन में कैसे लेकर आया? मैं कह सकते हैं कि क्योंकि जिस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं, बरतानिया के थे वो, तो वहाँ की नेशनल लैंग्वेज ही इंग्लिश है और लोगों से कॉन्टैक्ट करने में कम्युनिकेशन के लिए हमेशा ही इंग्लिश लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती थी। ये एक पॉलिटिशियन बने थे तो डेफिनेटली इनको अपना मैसेज वगैरह कन्वे करना तो लाजमी आना चाहिए, इनको हर चीज़ की समझ बूझ होनी चाहिए, तो कहने इस वजह से इंग्लिश लैंग्वेज क्योंकि इनको बहुत अच्छी तरह आती थी तो इसलिए ये ज़्यादा अच्छी तरह कम्युनिकेट कर पाते थे, ज़्यादा अच्छी तरह लोगों को समझ पाते थे, अपने मैसेज वगैरह कन्वे कर पाते थे और ज़्यादा बेहतर वर्डिंग लिख पाते थे या बोल पाते थे, तो इसलिए उनको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहा। क्वेश्चन 8 है, राइट एन एप्रिशिएशन और क्रिटिसिज्म, या तो थोड़ी तारीफें लिखें या फिर तनकीद लिखें, ऑफ चर्चिल्स व्यूज़, चर्चिल के व्यूज़ के बारे में, उनकी राय के बारे में, इन रिगार्ड टू द स्टडी ऑफ लैटिन, ग्रीक एंड इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक और इंग्लिश की स्टडी के बारे में, एंड देयर वैल्यू इन अर्निंग अ लिविंग, और पैसे कमाने के लिए उनकी क्या वैल्यू है। अब इस क्वेश्चन में भी राइटर ने दोबारा आपकी अपनी राय मांगी है। लाहौर सॉरी पंजाब बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चंस मोस्टली नहीं होते, हाउएवर जो फेडरल बोर्ड में उनके इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं जहाँ पर वो बच्चों को प्रॉम्प्ट करते हैं कि सेल्फ राइटिंग का वो यूज़ करें, तो फेडरल के स्टूडेंट्स ने तो लाजमी ये क्वेश्चंस करने हैं जिनमें अपनी राय मांगी जा रही है। जो पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं आपने ये करना है कि इनकी राइटिंग की प्रैक्टिस करें, इससे आपके राइटिंग के स्किल्स इंप्रूव होंगे। अब इस क्वेश्चन में देखिए आपकी अपनी क्या राय है, आपका क्या ख्याल है लैटिन, ग्रीक, इंग्लिश के बारे में? आपको लैटिन और ग्रीक के बारे में शायद ज़्यादा ना पता हो, हाउएवर इंग्लिश के बारे में तो आप एटलीस्ट लिख सकते हैं कि इंग्लिश जो है वो पैसे कमाने में किस तरह से काम आ सकता है, इंग्लिश में भी बहुत सारी जॉब्स हैं। तो चर्चिल ने जो इसके बारे में अपनी राय दी है उसके बारे में आप बताएं कि चर्चिल की जो राय थी वो ठीक है, गलत है, उसमें आप अपनी राय कुछ बयान करेंगे। ये आपके टोटल क्वेश्चन आंसर्स थे, ध्यान में रखिए आपके क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर के अंदर से भी आ सकते हैं, लाजमी नहीं ऐसे ही वर्डिंग में यही क्वेश्चन हो सकते हैं, शायद डिफरेंट अंदाज में पूछे जाए, इसलिए आपने एक बार इस चैप्टर की कंप्लीट ट्रांसलेशन समेत इसको रीड ज़रूर करना है और तमाम क्वेश्चंस को लिख के प्रैक्टिस करना है। मुझे उम्मीद है ये लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।